ना पढ़ो, तुम्हारे से तो उम्मीद ही नहीं है मेरे को, 100 की उम्मीद नहीं है मेरे को। जिनसे उम्मीद है वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये बैच है ही ऐसा, फोन में घुस जाओ तुम तो। तुम फोन से कब निकलोगे, छोड़ दो फोन। एक ये होता था मैम का डायलॉग, एक नंबर देखिए पास ही नहीं होना तुमने तो, मेरे को तो अपनी इज्जत पे आ रही है, 100 आ जाए ना इज्जत रह जाएगी मेरी। तो मैम की ये चीज़ें बहुत याद आती होती हैं। अब एक रेगुलर क्लासेस में होता था, जैसे रेगुलर क्लासेस में स्कूल के बाद जैसे ट्यूशंस होती थी, तो उसमें नींद आ रही होती थी मैम की क्लास में, तो बोरिंग लगती होगी, कल लगती भी थी, कई बार सो भी जाते थे, तो उसमें भी मैम ऐसे पानी मारूंगी कल से, कॉफ़ी की शॉट लगा के आया करो तुम लोग तो, पानी मारूंगी कल से, जो सोया जिसने उबासी ली, इतना सुस्त बैच देख लो। थोड़ी थोनों एक दूजे की बैड हैबिट केड़ी लग, ये टाइम पे रिप्लाई नहीं करता। लगता भी मुंडे आज के टाइम पे ज्यादा नहीं, वो बस एटीट्यूड दिखाते। एटीट्यूड तो कोई नहीं है, बट चलो चलती जा रहा है, टाइम पे आ जाता है, वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। इसकी बैड हैबिट कोई नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है ये। तभी टाइम पे रिप्लाई नहीं। नहीं नहीं टाइम पे तो आ जाता है, इसका मैसेज टाइम पे आता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं कर देती हूँ, जब भी काम के लिए होते तभी मैसेज करती हूँ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सिटी हेडलाइन, तो मैं हाँ नेहा मलिक। अज साढ़े नाल कुछ अज के बच्चे जड़े अज की यूथ जी शामिल हुई है, तो अज असी उन्होंने गलबात कर लेने, तो पूछ लें कि किन्ना का टैलेंट है। तो अजक बड़े ही बच्चे नोट ही हो रहे हैं कि टीचर्स की एक्टिंग भी करते हैं, तो उन्होंने मिमिक्री भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ भी कड़ लेंगे ने, तो असं उन्होंने गलबात कर लें, तो पूछ लें कि उन्होंने कुछ इदा का टैलेंट है। हाँ जी, की नाम है? समायरा। समायरा जी, सब तो पहला की क्वालिटी की है? मैं हूँ कॉन्फिडेंट भी हूँ काफ़ी, मेरे को ऐसे ड्रामेटिक्स भी का भी शौक है, मैं मतलब मेरे में है, मैं स्पीकर भी रह चुकी हूँ, अपने स्कूल की बेस्ट स्पीकर भी रह चुकी हूँ। तो जिम्मे ना थोड़े नाल दिए ने दसे भी है ना, तुसी ना बड़ी सोनी एक्टिंग कर दो, किदी एक्टिंग करो? एक्चुअली एसेट्स तो नहीं, बट टीचर्स डे पे राखी मैम की एक्टिंग बहुत अच्छी करी हुई थी, तो थोड़ी सी एक्टिंग हमें भी दिखा दो। कौन सा सीन? चलो राखी मैम की रूटीन सीन। मैम इधर ही हैं, मैम आपकी एक्टिंग करवा रहे हैं, आओ प्लीज़। मैम की एक्टिंग मेनली होती थी, मैम क्लास में इंटर होते थे, अगर तो टेस्ट सीरीज जो होती थी हमारी थी, मतलब कहते हैं ना हॉट टॉपिक होता था हमारा टेस्ट सीरीज का, उसमें नंबर नहीं आते थे, ऐसे आते थे नंबर। देखे तुमने अपने? ना पढ़ो, तुम्हारे से तो उम्मीद ही नहीं है मेरे को, 100 की उम्मीद नहीं है मेरे को। जिनसे उम्मीद है वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये बैच है ही ऐसा, फोन में घुस जाओ तुम तो। तुम फोन से कब निकलोगे, छोड़ दो फोन। एक ये होता था मैम का डायलॉग, एक नंबर देखिए पास ही नहीं होना तुमने तो, मेरे को तो अपनी इज्जत पे आ रही है, 100 आ जाए ना इज्जत रह जाएगी मेरी। तो मैम की ये चीज़ें बहुत याद आती होती हैं। अब एक रेगुलर क्लासेस में होता था, जैसे रेगुलर क्लासेस में स्कूल के बाद जैसे ट्यूशंस होती थी, तो उसमें नींद आ रही होती थी मैम की क्लास में, तो बोरिंग लगती होगी, कल लगती भी थी, कई बार सो भी जाते थे, तो उसमें भी मैम ऐसे पानी मारूंगी कल से, कॉफ़ी की शॉट लगा के आया करो तुम लोग तो, पानी मारूंगी कल से, जो सोया जिसने उबासी ली, इतना सुस्त बैच देख लो। साढ़े नाल एक बहुत वधिया फ्रेंड्स मौजूद ने, आपां उहनां नाल गलबात करदे। हैलो। हैलो, तुसीं दोनों फ्रेंड्स? हाँ जी। की नाम है तुहाडा? रिदम। तुहाडा? गुण। की गल है, थोड़ी थोनों एक दूजे की बैड हैबिट केड़ी लग? ये टाइम पे रिप्लाई नहीं करता। मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर सकता, वो मेरी गलती नहीं है वैसे, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ थोड़ा। अजकल मैं वो देखे हुआ कि है ना, वो ए कहते होंगे कि मैं कुड़ी हाँ, तू कुड़ी नहीं हैगी, हैगा कि टाइम तो रिप्लाई नहीं कर सकता है ना। हाँ हाँ, कुड़ियाँ जल्दी रिप्लाई। हाँ जी, लगता भी मुंडे आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं, वो बस एटीट्यूड दिखाते। एटीट्यूड तो कोई नहीं है, बट चलो चलती जा रहा है, टाइम पे आ जाता है, वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। ये बंदे काम के? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत बंदी काम अच्छी है। इसकी बैड हैबिट कोई नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है ये। तभी टाइम पे रिप्लाई नहीं आता। नहीं नहीं टाइम पे तो आ जाता है, इसका मैसेज कल टाइम पे आता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं कर देती हूँ, जब भी काम के लिए होते तभी मैसेज करती हूँ।
ਸਵਾਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ।